हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ दर्ज हुए छेड़छाड़ के मामले में राजनीति अब पूरी तरह से गर्माने लगी है। संदीप सिंह के इस्तीफे के बाद हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि संदीप सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और अब इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संदीप सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद खेल मंत्री का पद छोड़ते हुए कहा कि उनके ऊपर लगे आरोप झूठे हैं, वे निष्पक्ष जांच चाहते हैं। संदीप सिंह ने मीडिया से कहा कि मेरी छवि खराब करने के लिए ऐसा माहौल बनाया गया है। संदीप ने कहा कि एक जूनियर कोच ने उन पर झूठे आरोप लगाए हैं, वे चाहते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जांच रिपोर्ट आने तक वे नैतिकता के नाते अपना विभाग सीएम को सौंप रहे हैं, आगे फैसला सीएम को करना है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हरियाणा की राजनीति का पारा चढ़ गया है। सिंह की इस घोषणा के तत्काल बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में संदीप सिंह मसले पर गंभीर चर्चा हुई। बैठक में हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल, एडीजीपी सीआईडी आलोक मित्तल और गृह सचिव समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। वहीं इस मसले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है, उसने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। अब सभी की निगाहें सीएम की बैठक के मिनट्स पर टिकी है।